अपने बयानबाजियों की वजह से चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस वीक थिएटर में कई बड़ी फिल्में टकराने वाली हैं, जहां एक तरफ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा है तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन है। वहीं इस रेस में तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा भी शामिल होने जा रही है। वहीं अपने अपने फिल्म को प्रमोट करने में स्टार्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में तापसी पन्नू का बयान हैरान कर देने वाला सामने आया है, जिसे सुनकर एक पल के लिए दर्शक भी सोच में पड़ जाएंगे कि अपने ही फिल्म की तापसी पन्नू बन बैठी है दुश्मन। जानिए क्या है एक्ट्रेस का पूरा प्लान। जी हाँ, हाल ही में तापसी पन्नू भी अपनी फिल्म के लिए मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कई हैरतअंगेज कर देने वाले बात कही है। तापसी ने बातचीत के दौरान सीधा आमिर और अक्षय पर निशाना साधा है, और इतना ही नहीं, फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो एक्ट्रेस ने मजाक उड़ाते हुए ये तक कह डाला कि अगर बॉयकॉट करने की वजह से फिल्म चर्चा में है तो इस फहरिस्त में मैं भी शामिल होना चाहूंगी। एक्ट्रेस का इस तरह से तंज कसना पहली बार नहीं, इससे पहले हाल ही में उन्होंने करण जौहर के शो के लिए भी कुछ ऐसे ही बयानबाजियां की थी। चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी फिल्म किससे टकराने जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमिर खान के मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। उसकी रिलीज डेट 11 अगस्त है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की रिलीज डेट भी 11 अगस्त ही है। वहीं तापसी की फिल्म 19 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि किस फिल्म को मिलता है दर्शकों का प्यार और किसे होने पड़ेगा नेटिजंस के गुस्से का शिकार। आप इनमें से किस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।